Hey guys, welcome back to our new vlog. So guys, as we all know कि मेरा boyfriend बहुत ही ज़्यादा नलायक होता जा रहा है दिन पर दिन. So मैं आप लोगों को कुछ proofs दिखा देती हूँ कि yes वो नलायक हो रहा है. तो guys यहाँ से हम start करेंगे. ये देखो, ये मेरे boyfriend ने बनाया था अपने लिए shake, जिसमें से ना तो उसने मुझे थोड़ा सा भी दिया और इसके अलावा उसने इसको साफ नहीं किया और ना साफ करने की जगह पर रखा और एज इट इज इसको यहीं छोड़ दिया, यहाँ पे गंदा कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट जब हम जाते हैं तो ये देखोगे आप, ये यहाँ पे उसकी फाइल्स पड़ी हैं. वो सुबह कुछ काम कर रहा था और उसने ये फाइल्स एज इट इज छोड़ दी मेरे लिए कि वो आके इसको साफ करती रहेगी. ठीक है, चलो ये भी कोई बात नहीं. फिर और आगे जब हम चलते हैं तो हमें ये दिखाई देता है, ये देखो बेड की हालत देखो गाइस, आप देख रहे हो तरीका है यार ये. कोई मतलब कोई यहाँ से एंट्री सीधा करेगा तो उसको इतना गंदा दिखाई देगा सब कुछ, क्या इमेज पड़ेगी यार. और ये तो सब छोड़ो, ये मैंने पुलाव बनाए थे सुबह, ठीक है, ये ऐसे ही उसने बिना मतलब कवर किए ऐसे ही रख दिए. ठीक है, फिर ये बॉटल देखो, ना ये भरी हुई है ना ही खाली है ढंग से और ना ही अपनी जगह पर ही रखी हुई है. इसकी जगह वहां पर रखने की, ठीक है, बट स्टिल उसने यहाँ पे छोड़ दी. चलो ये भी कोई बात नहीं. उसके बाद ये देखो, मैंने उसको पता है कि उसने पुलाव बना रखे हैं, ही नोज इट, लेकिन उसके बाद भी उसको ये ब्रेड्स खा खा के काम चलाना है. तो गाइस अब आप लोग मुझे खुद बताओ, वो अच्छे से नहीं खाएगा फिर बाद में बोलता है कि तुम मोटी हो रही हो, मैं नहीं हो रहा, मैं तो पतला हो रहा हूँ. तो यार इसको मतलब ये थोड़ी ना भाई, तू ढंग की चीजें खा तो सही पहले. ठीक है, तो यार मैंने ये सोचा है कि वो ना पूरे दिन एक तो जंक फूड खाता है, ठीक है, पूरे दिन का उसका ये का ये है, इसके अलावा ना मेरी बात भी नहीं मानता, ऐसी चीजें खा खा के पूरा दिन निकालता और बोलता है बेबी कल से ना हेल्दी डाइट स्टार्ट करूंगा. तो यार उसका कल कभी नहीं आने का, आई नो दैट, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, पर ना वो तो कभी अपनी तरफ से स्टार्टिंग करेगा नहीं. और गाइस मैंने ये कहा था कि योगी मैं ना पुलाव बना देती हूँ और तुम क्या करना है कि यहाँ से ना स्टोव को साफ कर देना. उसने स्टोव भी क्लीन नहीं किया, आप सब देख सकते हो उसने एज इट इज छोड़ा हुआ है. अब गाइस आप लोग खुद बताओ मुझे गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, क्या घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है ना, फिर ऐसे मुझ पर ही छोड़ा जा रहा है सब कुछ. मतलब मैं तो अपने सारे करने के काम कर दूं, उसके बावजूद भी उसको मुझसे शिकायत रहती है और वो जब ना करे तब कुछ भी नहीं. तो अभी ना मैं उसके पास जा रही हूँ और हाँ मैं तो भूल ही गई यार, मैं ना स्टार्ट करूँगी. पहले तो मैं ना दूध गर्म कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब भाई उसको हेल्दी बनाना पड़ेगा वरना वो तो अपनी तरफ से कुछ करेगा नहीं कभी. सो जस्ट अ सेकेंड, हेयर इज द मिल्क और अभी हम इसको करने वाले हैं गर्म स्टॉक पे. लाइटर पता नहीं कहाँ रख दिया तो मुझे इससे ही जलाना पड़ेगा यार, ये तो मुझसे जल ही नहीं रही गाइस, क्या है ये सब. उसी को बुला के लाती हूँ और उसी से जलवाऊंगी अब मैं, बदतमीज कहीं का. और अभी मैं पूरी पूरी तरीके से बता सकती हूँ, अपने रूम में या तो सो रहा होगा या तो वो यूं ही पड़ा होगा बेड पे या फिर वो फोन चला रहा होगा. बस मतलब इतना गुस्सा दिला देता है ना ये मुझे लड़का कभी कभी, कि मेरा ऐसा मन करता है बहुत मारूं मैं इसको. ये देखो एज यूजुअल, देख रहे हो गाइस, ये तरीका है कोई, ये सभ्य तरीका है कोई, कैसे ये पड़ा हुआ, जो शर्म नहीं आ रही बताओ. और ये देखो वॉशरूम का, इसने ऐसी डोर खोला छोड़ रखा है. इस कमरे की हालत भी बहुत खराब है, बट कमरे की हालत तो मैं बाद में ठीक करूंगी, पहले इसे ठीक करती हूँ. योगी उठो, अभी उठेगा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, जल्दी उठो, देखो तुमने क्या हाल बना रखा है पूरे घर का. नींद आ रही है तो ठीक है, दोबारा सो जाना. खड़े हो, तुमने क्या खाया है सुबह से, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्या हुआ, क्या खाया है तुमने सुबह से, कुछ भी नहीं खाया, क्या हुआ तुम्हें, अरे हुआ भी तो होगा कुछ, बहुत ड्रामे कर रहे हो ना, बता नहीं सकते, पैर में लग गए इधर कुछ, देखा इतनी सी थोड़ी सी लगी और इसको इतना ज्यादा पेन हो रहा है, इसका मतलब साफ ये है इसमें ना कैल्शियम की बहुत कमी है, इसमें ना इसकी जो हड्डियां हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगी फिर ऐसे तो फ्यूचर में. चप्पल क्यों छू रहे हो मेरी, आशीर्वाद ले रहे हो सुबह सुबह, खड़े हो जाओ, बेबी आई लव यू, इधर आओ, ओके आई लव यू टू, जल्दी खड़े हो जाओ. योगी मुझे दिमाग खराब मत करो, खड़े हो, खड़े हो,
क्योंकि मैं तीन तक गिनूंगी, अगर तुम नहीं खड़े हुए ना अभी साक्षी को ब्लॉक कर दूंगी तुम्हारे मुंह से। एक मिनट बैठ। 1 2 सिर्फ 3 तक जल्दी करो, बाहर कुछ हो गया है बुद्धू। क्या हो गया? आओगी जब तो बता पाऊंगी। नहीं पहले तुम इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अरे इधर तो आओ, जल्दी आओ, जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलो चलो चलो। ऑल राइट, इधर आओ, इधर आओ। यार मुझसे ना ये वो नहीं हो रहा और लाइटर मिल नहीं रहा, तो एक बार स्टॉप ऑन कर दो ना। क्या नहीं हो रहा? ये नहीं हो यार, ये ऐसे इसमें क्या, ऐसे इसको क्लीन क्लीन, ऐसे इसको जल गई, मुझसे जली ही नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया। हाँ और पता ही मैंने क्या किया है, पता ही मैंने तुमसे क्या करवाया है, क्या करवाया बताओ तुम। इसे हटाओ, इसको, इसके लिड हटाओ, दूध बॉयल करने के लिए। बस बस उसको साइड में रख दो। हाँ और ये दूध तुम पीने वाले हो। इतना सारा दूध? मैं दूध नहीं पीऊंगा। थोड़ा सा तो पियोगे, इतना सारा नहीं तो। बेबी मेरे लिए स्टिंग मंगा लेना, दूध नहीं पीऊंगा। स्टिंग मंगा ली ना, पूरे दिन स्टिंग 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 जैसे ही दिखने लग गई हो तुम। तो क्या जैसे उसकी बॉटल नहीं आती इतनी पतली सी, तो क्या करूं यार अभी। हेल्दी खाओ पियो, अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ ना, उसे शांति से पी लेना बिना किसी बकवास के। फिर नहीं तो बाद में मत कहना कि तुम तो फैल रही हो, मैं तो पिट पिट के पतला। पिट पिट के कोई पतला नहीं होता गाइस। मैं नहीं आ रही, हो जाऊं अब तुमसे नाराज? नहीं बेबी नहीं, आई लव यू, मुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठीक है, छोड़ के जाने की तो मैंने बात ही नहीं की, तुम क्यों कर रहे हो, कौन सा सपना देख के आए हो। अच्छा जरा इसे पकड़ो और अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। क्या हो गया अब से सुबह तुम जब उठोगे, ठीक है, सबसे पहले तुम क्या करोगे? करोगे कॉलगेट। वो तो करना ही है, उसके अलावा क्या करोगे? तुम्हारी एक्टिविटीज क्या होंगी वो बताओ। मैं सबसे पहले तुमको बेड से उठाऊंगा जाके, एक प्यारी सी। हाँ मुझे मत सोने देना इससे गाइस, मेरी नींद खराब करनी है बस किसी तरीके से। तो गाइस इसको सुबह सुबह जगाऊंगा ना, इसको किस करूंगा, इसको प्यार करूंगा, फिर तुम ही कहती हो तुम मुझे प्यार नहीं करते। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद उठते ही तुम्हें क्या करना है, पीना है जल्दी से एक गिलास गरम गरम दूध। एक गिलास ही बस? पहले तुम इतने से स्टार्ट करो गाइस, ये ना दूध नहीं पीता, बदतमीज। मेरे से पिया नहीं जाता। पिया नहीं जाता? स्ट्रिंग तो बहुत पी लेते हो। वो थोड़ा फ्लेवर अलग होता है ना। फ्लेवर चाहिए इसे दूध में, फ्लेवर चाहिए, बदतमीज। तुम्हें पता भी है लोग कितना तरसते हैं ऐसे देसी चीजें खाने पीने के लिए, दूध दही घी। और एक तुम हो नलायक कहीं के यार। तो मेरे बाल 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 मत छेड़ा करो मेरे, पूरे इरिटेट हो जाती हूँ गाइस मैं, नलायक सा। मुझे प्यार आ रहा है, तुम मार रही हो, जाओ। अच्छा तुम जल्दी से इसे पकड़ो, नहीं छोड़ो तुम। स्टॉप, इसे पकड़ो जल्दी से। चलो अब मैं जल्दी से तुम्हारे दूध डाल के आती हूँ। बताओ मुझे ग्लास कहाँ है? ग्लास 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 कहाँ है? कहाँ है? है? अगर तुमने ग्लास नहीं बताया तो इसी में पीना पड़ेगा पूरा। पागल हो गया, इतना थोड़ी ना पी पाऊंगा मैं। तो फिर बताओ। नहीं बोलो 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 यार, ग्लास दुमा वो कर। हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, कुछ नहीं बताना। धोना पड़ेगा यार ग्लास तो। धो के लाओ कैसे उसको सुबह सुबह, क्या ये दौड़े हो। अच्छा एक बात बताओगी, तुमने घर की क्या हालत बना रखी है? मैंने तुम्हें सुबह उठते क्या बोला था? क्या बोला? कि मैंने पुलाव बना दिए, तुम्हें स्टॉव साफ करना है। अरे तुमने फाइल्स छेड़ी थी सुबह, वो भी ऐसे छोड़ दी। कपड़े ये ऐसे पड़े हैं तो ऐसे पड़े, आधा मैं आधा तुम, ये बात हुई थी ना, अब तुम चीटिंग क्यों कर रहे हो? यार घर का काम तो तुम करोगी ना, क्योंकि तो यार थोड़ी सी तो तुम्हें भी करानी पड़ेगी ना। यार हेल्प तो ठीक है, करवा दूंगा, बट अभी मैं करवा दूंगा। कब करवा दूंगा? मेरा मन कर रहा था पता क्या, कि मैं तुमको ऐसे टाइट करके सो जाऊं बस, लेकिन तुम होके मेरे को परेशान करने लग जाओ। तुम जल्दी से ग्लास लेके आओ एंड लेट मी पोर सम मिल्क इन। ये ले लो, ये क्या है? हाँ और ये भी तुमने ऐसे छोड़ दिया, और सुबह सुबह तुमने बनाना शेक बना के पी लिया और मेरे को दिया भी नहीं, और अब ये साफ भी मुझसे ही कराओगे। कर दो ना प्लीज। कितना गंदा है गाइस, कितना बुरा है, नलायक। बुरा हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना। चलो ये भी है। क्यों ना ब्रेड 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 खाने बंद है आज से तुम्हारे।
नहीं खाओगी तुम कोई ब्रेड, बीमार हो गया तुम यार ब्रेड। और ज्यादा ऐसी चीजें खाने का मन है ना, फिर खिचड़ी बना के खिलाऊंगी रोज। पुलाव है वो, ऐसे मत देखो बदतमीज। मैं खिचड़ी नहीं खाता ना। तुम खिचड़ी खाते हो, हेल्दी चीजें तो तुम्हें पसंद ही नहीं है, है ना? हेल्दी चीजें तो पसंद ही नहीं है। हेल्दी में मुझे ना केवल गर्लफ्रेंड पसंद है जो भगवान ने दी हुई है, बस बात खत्म। बदतमीज तुम। चलो अब से मानोगे ना बात बेबी खाने पीने के? मैं तो तुम्हारी हर एक बात मानता हूँ, तुम आराम से मानियो बिना पिटे। मारूंगा ना थप्पड़ घुमा के, पीटते तो खुद है, मेरे को बोल रही है बिना पिटे। ऐसे काम ही मत करो ना कि मुझे तुम्हें पीटना पड़े। वो देखो दूध में वो आ गया उबाल। क्या आ गया उबाल? ये क्या होता है? उबल रहा है ना ये बुद्धू। ओ निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, ओए गया। कहाँ गया? दूध गर्म करना आता है मुझे, ठीक है? नहीं भी बेवकूफ पागल लड़की नहीं मैं। यहाँ किसी कर रही, आई लव यू, आई लव यू। अब बेबी तुम ना दूध तुम पी लो ना और मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा रहता पड़ेगा? ठीक है जाओ इसे चुपचाप। बेबी नहीं पिया जाएगा ना। क्या है ये सब तुम्हारी हरकतें? यार इतना दूध नहीं पी पाता हूँ मैं। तो थोड़ा सा तो पी सकते हो। थोड़ा तुम पिला दो। ठीक है ग्लास लेके आओ जल्दी। ग्लास कहाँ है गाइस? यार ग्लास ग्लास ये सब। एक काम करता हूँ। हाँ चलो मिल गया, नहीं तो मैं ये दे देता कप, एक कप में मैं पी लेता। कप पियोगे इतना सा? चाय वाले कप में गाइस ये दूध पिएगा, इसका दिमाग देखो। अच्छा वो कहाँ है होल्डर? होल्डर क्या होता है? इससे पकड़ो इसको। यार कुछ भी कपड़ा वपड़ा उठा लो। मैं टी-शर्ट ही लेती हूं भाई। नहीं नहीं क्या होता है? पागल हो क्या? मैं ऐसे हाथों से उठा दूंगा। इतना गरम तो हाथ ही तो जलेंगे, क्या हो गया? पागल हो तुम? नहीं नहीं क्यों यार, बहुत गरम होता है। वैसे भी मैं तो तुम्हें परेशान करता हूँ ना, चीट भी करता हूँ ना मैं तुम्हें, है ना? चीटे कहीं के। मैं चीट करता हूँ कितना? नहीं करता पागल, बदतमीज। मैं जैसे प्यार करता हूँ चीट नहीं करता। पक्का? बहुत सारा प्यार करता हूँ अपनी बेबी से। ओके मेरी दीक्षा जान है, दीक्षा बेबी है, मेरी दीक्षा सब कुछ है। आई लव यू, आई लव यू। तुम मेरे से ना कभी भी शक मत करा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं बल्कि दिल में बैठा हूँ। वो तो ठीक है, मैं भी तो तुम्हारे दिल में ही बैठनी चाहिए हूँ। तुम सिर्फ बातों बातों में ही। क्या बातों बातों? बातों में ही रखते हो, मुझे दिल में नहीं रखते। दिल में रखता हूँ बेबी। चलो अब मुझे ना ये वो करने की कोशिश कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, पैंपर? पैंपर नहीं, बल कराने की ना। हाँ ताकि मैं भूल जाऊं कि यहाँ पे दूध रखा हुआ है इसके लिए। और ऐसा मैं होने दूंगी नहीं। सुनो बेबी प्लीज, सुनो बेबी नो, सुनो ना, दूध तुम पी लेना ठीक है? चौटा मार दूंगी अब मैं, समझ में नहीं आता, छोटे बच्चे हो गया तुम हैं? मम्मी की तरह मैं मारूंगी तुम्हें। मम्मी की तरह? मम्मी की तरह क्या? मम्मी ऐसे मम्मी मारूंगी भी मैं मम्मी की तरह? फिर डांटती थी मम्मी की, दूध पी ले तो गाइस पीना चाहिए। इसकी हालत देखो, इसकी हालत देखो एक बार जरा, आप लोग इसकी हालत देखो। क्या दिखा रही हो? हालत दिखा रही हूँ, सब लोग बोलेंगे देखना कितना दुबला सा हो गया है। तो वही तो यार, ये अपनी अपनी उससे वो हो रहा है ये, और फिर बाद में मुझ पे इल्जाम लगाएगा। यार इसको पकड़ने वाला पता नहीं कहाँ चला गया। चलो शाबाश, इसको थोड़ा डबल कर लेना वरना कम गरम लगेगा। फिर ज्ञान मत दो मुझे ठीक है? दूंगी देंगी। गरम लग रहा है? बहुत गरम दूध है तो यार, वो तो है ही, अभी उबला है बिल्कुल। सुनो गरम गरम तुम पी लो, ठंडा मुझे बना देना। ताकि मैं अपना गला जलवा लूं और फिर मैं बोल ना पाऊंगा ना। नहीं यार शाने बहुत है, शाने बहुत। हमेशा ऐसे क्यों सोचती हो? सो गाइस आज गर्लफ्रेंड ने सुबह सुबह कर दी मेरी केयर। ये गरम गरम लगा मत देना मुझे। और अब मैं ये इसके फेस पे यूं लगा दूंगा पागल। लगता है मैं ऐसे लगाऊंगा? लगाओगे तो नहीं, पर मजाक में कभी-कभी टच हो जाता है ना ऐसे। इस एक ग्लास दूध पीने के बाद मुझे लगता है मैं पहलवान हो जाऊंगा। हो जाओगे, डोंट वरी, डोंट वरी होगी, यू कैन डू इट। अब तुम मुझे डेली पिलाओगे ऐसे? हाँ सच्ची? हाँ। और यही नहीं, अब से तुम ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे और तुम खाओगे चने। चना बॉइल्ड? चने तो घोड़े खाते हैं। तुम्हें तो वही पड़ी है, वजन ढोलो तुम तो बस। ठीक है उससे क्या होगा कि तुम वो बनने रहोगे और तुम्हारे फेस पे भी ग्लो रहेगा। ये सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी, लोगों को दिखाने की क्या जरूरत थी? मैं जा रहा हूँ, बकवास लड़की।
मैं इसलिए दिखा रही थी गाइस कि किस तरीके से इसने घर फैला रखा है और ये अपना ध्यान नहीं रखता और फिर बाद में सारे इल्जाम मुझ पे लगाते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। बाय बाय।